एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने जा रहे हैं होली मोली गुआकामोली। और गुआक बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है अवोकाडो। यहाँ पर आपको अवोकाडो को चूज करने में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि गुआक का जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूदी होता है। तो स्मूथ टेक्सचर अगर आपको चाहिए आपकी गुआक में, तो आपको थोड़ा सा राइप अवोकाडो चूज करना होगा। जो थोड़े ग्रीन कलर के एवोकाडोज होते हैं वो सैलेड, सैंडविच, इन सब के लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन गुआक के लिए आपको थोड़ा सा राइप एवोकाडो चाहिए, ओवर राइप भी नहीं होना चाहिए। गुआक मेक्सिको की बहुत ही पॉपुलर डिप है, ये ऑलमोस्ट सारी मेक्सिकन डिशेस के साथ पेयर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमें गुआक बनाने के लिए और क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, लाइक शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गो। तो चलिए गुआक के लिए हम अपनी अनियन को फाइनली चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो अनियन ली है ये एक मीडियम साइज अनियन ली है, हमें फाइनली चॉप कर लेना है। जितने अच्छे से आप अनियन को चॉप करेंगे उतना अच्छे से आपकी गुआक में वो मिक्स होगी। इसी तरह से हम अपनी गार्लिक को भी फाइनली चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स ली हैं, जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और इसको भी हम अनियंस के साथ बोल में मिक्स कर देंगे। अब हम जिंजर को भी फाइनली चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो जिंजर को ग्रेट करके भी गुआक में डाल सकते हैं। इसको भी हम ऐड कर देते हैं अपनी अनियन और गार्लिक के साथ। अब हम टोमेटोस को भी चॉप करेंगे, बट यहाँ पर हम टोमेटोस को चॉप करने से पहले उनके सीड्स को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमको सीड्स निकालने के बाद टोमेटोस को कट करना है। इनको भी हम फाइनली चॉप करेंगे और ऐड कर देंगे अनियंस के साथ। कोरिएंडर और चिली को भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे और ऐड कर देंगे। अवोकाडो को हम हाफ कट करके उसमें से पल्प स्कूप आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना इजी है। अवोकाडो अगर आपका सॉफ्ट है तो बहुत इजीली स्पून की हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 अवोकाडोज यूज कर रही हूँ डिप बनाने के लिए। आप जितने पर्सन के अकॉर्डिंग डिप बना रहे हैं उतने अवोकाडोज आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3 अवोकाडो आराम से 3 से 4 पर्सन के लिए सफिशिएंट होंगे। चलिए ब्लैक पेपर भी ऐड कर देते हैं। आपको जितना स्पाइसी अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप ब्लैक पेपर ऐड करें। लेमन जूस में यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में यहाँ पर 2 टी स्पून ले रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अपने एवोकाडो को सारी वेजीज के साथ मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैश आप फोक की हेल्प से आप इजिली मैश कर सकते हैं। अगर थोड़े बहुत चंक्स रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास मेक्सिकन चीज अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर पार्मेसान चीज ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो मेक्सिकन चीज भी ऐड कर सकते हैं। और हमारी गुआक बनके बिल्कुल तैयार है। आप जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी गुआक।